बेसिकली पहले से हम इधर आते थे, ये होने से पहले ही हम इधर क्या था ये जानते थे। आज जो है इधर और पहले था, इसका जो डिफरेंस है वो मार्केट में आजकल जो ज़रूरत है उसके हिसाब से लगभग कंप्लीट हुआ है। हमको डिसीजन लेने में भी अच्छा रहेगा, हमसे ज़्यादा बेहतर कि क्लाइंट लोगों को जो नॉन टेक्निकल रहते हैं। करंट टाइम में भी अभी कोल्हापुर अपडेट है, ऐसा छोटा सिटी है फिर भी थोड़ा सा अपडेट है बाकी मार्केट के लिए। तो अभी करंट चल रहा है जो वाइट ग्रे बेस, मुझे बेसिकली हमारा प्रैक्टिस थोड़ा रस्टी का और इसका है, तो क्लाइंट बेस वैसा ही आता है हमारे पास। तो मेरे लिए तो जो अभी अपडेट है सब जो आ रहा है, साइज भी बड़ी बड़ी अभी लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यूटी जो अभी स्लैब का डिज़ाइन हो सब जनरली मार्बल के प्रिंट्स ही बनाए हैं, इसलिए जितना बड़ा साइज रहेगा उतना वो नेचुरल लगेगा, काम में भी फिनिशिंग में जॉइंट्स कम आती है और लुक भी अच्छा आता है। जनरली क्या रहता है, अभी मैं सपोज ग्लॉसी फिनिश करने वाला रहूँगा तो मार्बल ही यूज़ करता हूँ, सपोज मैट फिनिश करने का है तो टाइल का सोचता हूँ। अभी यहाँ का कोल्हापुर का ट्रेंड देखेंगे तो मैट फिनिश पे थोड़ा अच्छा लोगों का पसंद ये रहता है, ग्लॉसी थोड़ा कम हो गया अभी तो मैट और अच्छा लगता है। साइज तो पूरा लॉन्ग साइज यानी 6x4 का और 4x8 का जो रहेगा वो साइज में यही टाइल चलने वाला है। मार्बल का मेंटेनेंस और उसका जो बाकी का प्रॉब्लम आता है वो अभी सब लोगों को बहुत तकलीफ दे रहा है, तो यही प्रोडक्ट चलने वाला है। इसको और थोड़ा डेवलप करके और थोड़ा इकोनॉमिकल रेंज में आएगा तो भी अच्छा चलेगा। अभी कैसा है कोल्हापुर में बंगलोज की रेंज और पहले कैसा था, ये बंगलो बनाना है ठीक है उसके बहुत सिंपल रिक्वायरमेंट रहती थी, बट फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स द टोटल सिनेरियो इज चेंज और बंगलो के लिए बहुत ही इधर स्कोप है लोगों के लिए। क्रिएटिविटी जो है ही उसके साथ जो ये मटेरियल हमें देखने को मिलता है वहाँ से हमें और आइडियाज सीखते हैं, हम विल डू ग्रेट लाइक विद अ सिंपलो लाइक दिस मटेरियल। वैसे सिंपलो में जो ग्रेज का बेसिक सिलेक्शन है प्लेन्स एंड ग्रेज का, दैट इज गुड। थोड़ा सा सोबर जो कलेक्शन है उसका इम्पैक्ट दिखेगा, हर थोड़ा सा सिंपल काम जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा दिखता है वो देखने को मिलेगा फ्यूचर में, ऐसे ऐसे कलेक्शन अगर लॉन्च होते रहेंगे तो। मार्बल पे डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि मार्बल का प्रोसेस ही अलग है, उसका लेइंग पॉलिशिंग वो सब टीडियस प्रोसेस है और अभी लेबर का बहुत शॉर्टेज होता रहा, दिन पर दिन शॉर्टेज होता रहा। दिस इज़ अ रेडी प्रोडक्ट, रेडी टू यूज़ प्रोडक्ट, एक बार ले कर दिया बात खत्म हो गई और कलेक्शन भी अच्छा है, साइजेस भी अच्छे हैं, इट इज़ ईजी टू यूज़। नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल आर प्रिफरिंग वेरी रस्टिक थिंग्स, पीपल आर ओपन टू न्यू टेक्सचर्स एंड ऑल न्यू मटेरियल्स और फिनिशेस, दैट्स वेरी गुड रिस्पॉन्स वी आर हैविंग फॉर ऑल दिस थिंग्स। इनिशियली वी डिडंट हैव द एंटायर डिस्प्ले फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स, बट नाउ दिस विल हेल्प अस अ लॉट in choosing and finalizing the things easily. What we discuss in the office with our clients, we have our means of presentations, but the presentation is to get an overall view, but it's difficult to get the feel of a product unless and until it is presented in the way how the product will be actually end used in terms of overall the scale, the lighting, and that's the way actually the gallery should be made. Paint to change hota rehta hai, but currently fresh colors, grays and pastels, or sizes, different sizes, matlab body sizes, all types of sizes. So client, project, aur uske hisab se wo sab change hota hai. आज डेकोर स्टूम के साथ मिल के 131वां गैलरी हमने स्टार्ट किया। अभी हमारा गैलरी ओपन होने से यहाँ का मैक्सिमम कस्टमर को इंटायर सिंपलो रेंज कोल्हापुर में ही देखने के लिए मिल जाएगा। टोटल एरिया ऑफ गैलरी अराउंड 3000 स्क्वायर फीट है, इसमें हमने मैक्सिमम स्पेशल एलुमेरा का डिस्प्ले किया है, प्लस इसमें कुछ विंडोरा के हमने प्रोडक्ट भी डिस्प्ले किए हैं जो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट 800, 1600, 4x2 वगैरह हैं। प्लस मेन हमारा फोकस था
पीच टेक, सागा, पिक्सल एंड कोटियार्ड एंड टैनी टाइल जो हमारा न्यू प्रोडक्ट्स है। इस गैली का बेसिकली हमारा पर्पज़ था यहाँ के कस्टमर को कैटर करना, जो कि हमें काफ़ी बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे पहला तो हमारा 1959 का वैसे टिम्बर का बिजनेस है, फिर हमने स्टोन और ग्रेनाइट और उसका हमने 1985 में वो चालू किया। जैसे मार्बल का तेल और क्रेज ख़त्म होते गया तो टाइल में हमने डेकोर के नाम से हमने 4000 के 3 फ्लोर हमने यहाँ बना दिए हैं और एक फ्लोर पूरा सिंपोलो का गैलरी बन गया है और उसमें बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है। और जो अपना QR कोड का सिस्टम जो है तो उसमें कोई भी आर्किटेक्ट हो, क्लाइंट हो, QR कोड स्कैन करके उसको पता चल जाता है कि टाइल लगने के बाद में कैसे लगेगी। मैं अपील करता हूँ सब आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स, कस्टमर्स जो भी नए अपने घर बना रहे हैं और जो भी अपने बिल्डिंग्स और ऑफिस बना रहे हैं तो यहाँ पे हमारे गैलरी में आए, सब हमारे प्रोडक्ट्स देखे और हमको उनको सर्विस देने में बहुत ही खुशी होगी और हम उनके सारे अरमान जो है वो इसके थ्रू हम पूरा करेंगे।